हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा और आज हम बनाएंगे बैंगन का भरता। वैसे तो बैंगन का भरता अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, मैं सिर्फ दो तरीके से बनाती हूँ तो उसमें से एक तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें बैंगन को कट लगा लेना है, 3 से 4 कट लगा लेंगे। इससे ये पता चलता है कि अंदर कीड़ा तो नहीं है और दूसरी बात, बैंगन जल्दी से पकने में हेल्प होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से कट लगा लेंगे। अब देखिए इसमें कीड़ा दिख रहा है मेरे को, तो देखती हूँ ये थोड़ा सा पोर्शन निकाल के अगर अंदर से अच्छा है तो अपन इसे यूज करेंगे, लेकिन ये पूरी तरीके से सड़ा हुआ है तो मैं इसमें बाजू में रख देती हूँ। अब मैंने दूसरा बैंगन ले लिया है, ठीक है। अगर हम ऐसे कट नहीं लगाते तो क्या होता, वो कीड़ा वाला बैंगन हम यूज़ कर लेते, यूज़ में आ जाता वो, ठीक है ना। इसलिए कट लगाना ज़रूरी है। कोई यहाँ पर मिर्ची और वो लहसुन डालते हैं लेकिन मैं नहीं डालती हूँ, ठीक है। तो हमने कट लगा लिया है, अभी वही करेंगे जो हमेशा करते हैं, इसको बढ़िया से भून लेंगे, ठीक है ना। इसे अलट पलट करके बढ़िया से भून लेना है जब तक कि काला ना हो जाए। तो देखिए ये आधा पक गया है। आप किस तरह से बैंगन का भरता बनाते हो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। अभी इसको अलट पलट करके इसी तरह से पकाएंगे और थोड़ा सा खड़ा करेंगे, और उसके बाद में ये इसकी जो डंठल का पोर्शन है ना वो जल्दी नहीं पकता है, तो वो पोर्शन भी थोड़ा सा गैस के पास रख के उसे भी अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद में हाथों से दबा के इसे चेक करेंगे ये पका है या नहीं। अगर पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुका है तो समझ जाना कि ये पक चुका है, ठीक है। देखिए अब मैं चेक कर रही हूँ, ये पक चुका है, ये काफ़ी गर्म है इसलिए मैं चाकू से चेक कर रही हूँ। तो ये पक चुका, ठीक है ना। डंठल की तरफ से भी मैंने अच्छे से पका लिया है। ये देखो इस तरह से हमारा बैंगन पका हुआ होना चाहिए। हमने जो कट लगाया था उससे ये बेनिफिट होता है कि बैंगन जल्दी पक जाता है, ठीक है। बस हो गया है। तो ये देखिए मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है। अब क्या करेंगे ना, इसको थोड़ी देर ढक के रख देंगे। अगर ढक के रखेंगे इससे क्या होगा, बैंगन का जो छिलका है वो जल्दी से उतरने में हेल्प हो जाएगी। तो अभी हमने बैंगन को ढक के रख दिया है और चढ़ा दिया है एक पतीला छोटा सा, ठीक है। मोटे तले का चढ़ाइएगा, कढ़ाई या पतीला जो भी है। यहाँ पर मैंने 2 से 3 छोटे चम्मच तेल डाल दिया है। अब तेल को गर्म होने देना है और उसमें डाल देना है एक टमाटर, उसको मैंने कट कर दिया है बीच से, और ये हरी मिर्ची है 2-4, और उसके बाद में 3 से 4 है लहसुन की कलियाँ, ठीक है। इसे डाल के हमें क्या करना है, स्लो गैस पर इसे पकने के लिए रख देना है ढक्कन रखकर। थोड़ी देर के बाद में इनको पलट लेना है। ये एक तरह से पक चुका है, अब दूसरी तरह से भी इसे अच्छे से पलट लेंगे। हमको मिर्ची को ना अच्छे से क्रंची करना है, ठीक है, और वो जो लहसुन है वो भी बढ़िया से ब्राउन हो जाए तब तक हमें पकाना है। अब मैंने वहाँ पर पलट के छोड़ दिया है कंजी में स्लो गैस पर। अब मैं इसका छिलका उतार लूँगी। तो देखिए छिलका कितने आसानी से उतर रहा है ना। ढक के रखने का यही बेनिफिट होता है। अब छिलका उतारने के बाद में कोई कोई क्या करते हैं, इसको धोते हैं, लेकिन मत धोइएगा, क्योंकि अगर हमने धो लिया तो इसका टेस्ट जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसे डंठल से अलग कर लेंगे। इसी तरह से फोक से आपको डंठल से अलग कर लेना है। ये फोक से करने का ये बेनिफिट है कि उसमें से जितना भी कच्चापन है वो डंठल में ही रह जाएगा। थोड़ा सा कच्चापन तो रहता ही है तो वो हमें यहाँ पर नहीं डालना है, ठीक है। और इसे बढ़िया से स्मैश कर लेना है। ये देखिए हमारा बैंगन बढ़िया से स्मैश हो चुका है। ठीक है ना। अब देखिए हमारी मिर्ची जो है और टमाटर बढ़िया से गल चुके हैं और मिर्ची जो है वो क्रंची हो चुकी है, ठीक है ना। इसी तरह से हमको ये करना है। अब इसे भी अच्छे से चम्मच की हेल्प से स्मैश कर लेंगे। और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ हरा प्याज, मतलब जो हरे प्याज के पत्ते होते हैं ना वो, और उसके बाद में धनिया, बढ़िया ताज़ा ताज़ा धनिया और हरे प्याज के पत्ते मैंने डाल दिए हैं, ये मैंने खुद उगाए हैं, ठीक है। गैस को कम ही रखिएगा नहीं तो ये क्या होगा ना, जल जाएगा। तो टमाटर को स्मैश करते हुए बढ़िया से इनको मिला लेना है। अब हरा धनिया और वो जो पत्ते हैं इनको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, हम ऊपर से भी डाल सकते हैं, ठीक है ना, ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। ये देखिए इस तरह से होना चाहिए। अब यहाँ पर हमने कुछ मसाले ऐड कर देने हैं।
तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर थोड़ा सा, ठीक है, ये है मिर्ची पाउडर, ये है गरम मसाला और थोड़ा सा जीरा पाउडर और स्वादानुसार नमक। ठीक है, आप ये जो मसाले हैं ना अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और डाल देंगे बैंगन। ये देखिए हमने बैंगन डाल दिया है, बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और हमारा भरता फटाफट से रेडी हो जाएगा। ठीक है, बैंगन का भरता बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है, चाहे आप कच्चा बनाओ या फिर इस तरीके से बनाओ। ठीक है, अब इसे सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। आप इसे ज्वार की भाकर, चावल की भाकर या फिर रोटी के साथ भी बढ़िया गरम गरम खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी बनता है। ठीक है ना, तो आप भी बनाइए, खाइए और खिलाइए। तो आज की रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।